सबकी एक लॉबी बनी हुई है, सब उस लॉबी से एक्टर्स उठा उठा के उठा उठा के। सो नाउ वी आर स्टार्टेड। ये कैसी अंग्रेजी है, बाप रे। सो आप सभी को खम्मा घणी राजस्थान की तरफ से, आपको बहुत बहुत खम्मा घणी। और आज हम जो देखने वाले हैं ट्रेलर नहीं टीजर है, वो है आपड़ी तापड़ी। आपड़ी तापड़ी। अब देखिए इस फिल्म का क्या मतलब है ये तो मुझे नहीं पता, मतलब इस फिल्म के टाइटल का क्या मतलब है ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि हर प्रदेश के अपने कुछ ना कुछ ऐसे स्लैंग्स होते हैं, कुछ ऐसे टर्म्स टर्मिनोलॉजीज होती हैं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो उसी प्रदेश के खास होते हैं और उसी भाषा में होते हैं। अब जैसे राजस्थान में भी ऐसे बहुत हैं, आई एम श्योर महाराष्ट्र में भी, मराठी भाषा में भी ऐसे बहुत सारे शब्द होंगे। तो ये आपड़ी थापड़ी का क्या मतलब है ये मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मैं ये सोच रहा हूँ कि टीजर के बाद कुछ ना कुछ दिख जाना चाहिए, समझ में आना चाहिए। श्रेयस तलपड़े है, श्रेयस तलपड़े को अभी तक मैंने किसी भी मराठी मूवी में, जब से मैंने रिएक्शन देना शुरू किया, मैंने किसी में नहीं देखा है। इनको मैंने हिंदी में बहुत देखा है और इनके टैलेंट से मैं अच्छी तरह से जो है वाकिफ हूँ कि इनका टैलेंट किस तरह का है। तो चलिए शुरू करते हैं, 1:39 का ही है, उसके बाद करेंगे बाकी बातें। तो श्रेयस तलपड़े जी, हे माझे मालक सखाराम पाटील, ह्या माझ्या पार्वती वहीन आणि ही आमची मऊ तुळशी। इंट्रोडक्शन पार्ट। पी फॉर पाटीलला पी फॉर पैशापासून येगळ करता येणार नाही। बघा शॅम्पल बाबू, हिला रिपेअर करून नाक्यावर भेट, मला मी दर्शन करून येतो। रिपेअर म्हणजे अर्णवी येते। रात्री याला उशीर झाला तर कुठल्या तरी चांगल्या हॉटेलात थांबून खाऊन घ्या काहीतरी। हॉटेलात कशाला, किती वाजले तरी मी घरी येणार आणि तुझ्या हातचा झुणका भाकरच खाणार। खुश जीव खा माझा। बर बर येतो असं म्हणलं मी। अभी तक मुझे ये समझ में आया 51 सेकंड में कि ये जो है थोड़ा सा कंजूस आदमी है। कंजूस नहीं कहेंगे, इसे पैसे खर्च करना अच्छा नहीं लगता। इसकी जब चप्पल भी टूटी तो वो जो साथ में आदमी था जिसने रुमाल बांध रखा था उसको कहा कि इसको रिपेयर करवाना पड़ेगा, तो कहता रिपेयर करवाना पड़ेगा, तो श्रेयस तलपड़े कहता हाँ एकदम नहीं है, मैं वापस रिपीट नहीं कर सकता, लेकिन हाँ मुझे समझ में आ रहा है। फिर ये शायद कहीं बाहर जा रहा है श्रेयस तलपड़े, और जो इसकी बीवी है वो कहती है कि बाहर जाओ तो किसी होटल होटल में खा लेना, तो मना कर देता है ना कि मैं आऊँगा तो तेरे घर के आके खाऊँगा, तो कहता जीव खा ले मेरा। तो ये जो है ना जीव खा ले मेरा, मुझे रांध के खा जाए, ये राजस्थान में भी ये टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है। यहाँ की जो बूढ़ी महिला है, यहाँ की जो बेसिकली घर की महिला है, वो भी इस तरह से टर्मिनोलॉजीज और जो है शब्द यूज़ करती है। मैंने खा ले रांदर, मतलब मुझे रांध के, जैसे अपन रांध के मतलब है मुझे निचोड़ के खा जा, मुझे ही खा जा। एखाद्याचा स्वभाव नाही सुटत हातात न पैसा, पण माणूस मनानं तर चांगला आहे। काय निर्दयी माणूस असेल ना। आता काय नवीन स्कीम आहे? आता या नीच माणसाचे एक एक चाळे कळायला लागलेत मला। ए ये बाहेर, माणसाच्या कर्माचा जाप एक दिवस देव त्याला विचारतो असं मी ऐकलं होत, पण देवी भी विचारती असं कधी वाटलं नव्हतं। लास्ट में बच्ची बोलती चल आपड़ी तापड़ी खेलता हो, तो आपड़ी तापड़ी कोई गेम होता है? क्योंकि इसमें जो पीछे गाना चल रहा था उसमें भी ये लिरिक्स थे, यही जिंदगी आपड़ी थापड़ी। तो मतलब आई एम श्योर या तो कोई ऐसा है कि आपा धापी इसको आपड़ी थापड़ी, मुझे सबसे नजदीकी जो सबसे पास वाला जो वर्ड लग रहा है वो लग रहा है कि आपा धापी। तो क्या हो सकता है, देखो इसका जो भी मतलब है आपड़ी थापड़ी का प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं बहुत अब दिमाग में मेरे घुस चुका है ये। एक्टिंग की बात करें, श्रेयस तलपड़े पे पूरी मूवी टिकी है क्योंकि वही उसका टाइटल नहीं बोलेंगे मेन कैरेक्टर है। उसकी बीवी जो कहती है, जो उसे परेशान है कि तुम पैसे खर्च नहीं करते, इसी के अराउंड पूरी मूवी होने वाली है। और जो मुझे इसका अजम्पशन है, जो मुझे इसको देख के लग रहा है, वो ये होगा कि बहुत स्वीट सी और हिंदुस्तान के आम आदमी की, और अगर इसको थोड़ा बारीक पकड़ें तो हिंदुस्तान के अंदर महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के अंदर किसी गांव के एक आदमी की, उसके अराउंड घूमने वाली जिंदगी की कहानी होने वाली है ये।
इस तरह की फिल्में बहुत कम बनती हैं। मैं मराठी फिल्मों की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल भारत में जो सिनेमा चलता है उसमें बहुत कम फिल्में इस तरह की बनती हैं। तो ये अच्छी बात है कि इस तरह का सिनेमा जो है हमें देखने को मिल रहा है। अब इसमें जो है कई अप एंड डाउन्स आते होंगे इसकी ज़िंदगी में, क्योंकि अभी पैसे बचाएंगे के चक्कर में इधर उधर कुछ ना कुछ तो करेगा ही करेगा। आदमी हाथ पैर मारता है और सिर्फ पैसे बचाना नहीं चाहता, पैसे कमाना भी चाहता है। तो जब कमाने जाता है तो कुछ ना कुछ इसमें प्लस माइनस होते हैं ज़िंदगी में। वहाँ से इसमें मैंने एक छोटा सा सीन देखा था, आते ही निकल गया था, कि वो जेल के अंदर भी बैठा, यू नो, वो सलाखों के पीछे भी था, वो देखा था मैंने। तो ये वो मूवी हैं जिन्हें हम आर्ट सिनेमा कहते हैं, लेकिन इन्हें कमर्शियली सक्सेस कराने की जिम्मेदारी हमें है, हमारी है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी फिल्में बने। श्रेयस तलपड़े पे बात करते हैं। श्रेयस तलपड़े वो एक्टर हैं जिनमें अभी बहुत एक्टिंग बाकी है। इन्हें साजिद खान से अलग भी जाके किसी अच्छे डायरेक्टर को पकड़ने की ज़रूरत है जो इनकी एक्टिंग को बाहर निकाल पाए। अब देखिए, जैसे ही मराठी में आते हैं तो लीड एक्टर हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही हिंदी में आते हैं तो ये सेकंड लीड हो जाते हैं। तो इन्हें वो समझने की ज़रूरत है। एज एन एक्टर मैं मानता हूँ कि आपको पैसे भी ज़रूरी हैं, लेकिन आपकी एक्टिंग ही तो आपको बाद में पैसे दिलाएगी। और हिंदी फिल्मों में कोई नहीं चाहता अच्छा एक्टर, सबकी लॉबी बनी हुई है, सब उस लॉबी से एक्टर उठा उठा के काम चलाना चाहते हैं। तो भैया, पैसा भी अच्छा मिले, एक्टिंग भी अपनों को अच्छी करने को मिले, तो श्रेयस तलपड़े बहुत बधाई कि आप इस तरह की फिल्में भी कर रहे हैं। ज़्यादा मराठी करिए ताकि ज़्यादा लोग आपको देखें। 5 अक्टूबर को आ रही है ये, हिंदी में होती है तो ज़्यादा अच्छी लगती। खैर, कोई बात नहीं। ये रिएक्शन कैसा लगा आपड़ी थापड़ी का मतलब ज़रूर बताइएगा, और कितना मेरा अजम्पशन जो है वो सही था इसका भी मुझे बताइएगा। प्यार देते रहिएगा, बहुत सारे प्यार की ज़रूरत है, बहुत सारे प्यार की ज़रूरत है, और 1 मिलियन की भी ज़रूरत है। सब्सक्राइबर पैसे नहीं, हाँ पैसे भी, सब्सक्राइबर भी, तो वो भी देते रहिएगा। चलिए, आप सभी को राजस्थान की तरफ से घनी घनी खम्बा।